नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। 5 सितंबर की रात कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में वरिष्ठ महिला पत्रकार गौरी लंकेश को उनके घर के बाहर ही कुछ अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस तरह से पत्रकार की हत्या पर मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हंगामा मच गया था। इस मामले में बहस तब और बढ़ गई जब ट्विटर पर कुछ लोग गौरी शंकर की हत्या को सही ठहराते हुए उनके बारे में आपत्तिजनक और अपमानजनक बातें करने लगे। इस बीच सोशल मीडिया पर मोदी समर्थक निखिल दधीच नाम के एक व्यक्ति ने बेहद आपत्तिजनक और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए गौरी लंकेश की हत्या को सही ठहराया, जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक फॉलो करते हैं। जिसके बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो ऐसे ट्रोल्स को बढ़ावा देते हैं। अब निखिल दधीच की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो मंत्री स्मृति ईरानी के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पंकुरी पाठक ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। आपको बता दें कि निखिल दधीच का ट्वीट वायरल होने के बाद उसने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया था, लेकिन उसके ट्वीट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। निखिल दधीच ने गौरी लंकेश की हत्या पर बेहद शर्मनाक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लिखा था कि एक कुतिया कुत्ते की मौत क्या मरी, सारे पिल्ले एक सुर में बिलबिला रहे हैं।